मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मोबाइल का कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी का, क्या आपको भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। मैं हूं सरदार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसने की। लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर चाहिए। मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर चाहिए। मैं और प्यारी वीडियो मेरे बोलने से आपको पता चल गया कि आज दूसरा रोज़ा माशाल्लाह से बड़ा मैं खुश किस्मत हूँ और बड़ा खुश हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने रोज़ रखने की तौफीक दी है। तो माशाल्लाह से अभी टाइम होने वाला 6:19, इसलिए भी खुश हूँ कि टाइम भी हो गया अफ्तारी का और इसलिए भी खुश हूँ कि आज रोज़ा रखा है। माशाल्लाह से मैंने अपना न्यू मोबाइल परचेज किया था कल और मेरे पास पहले S1 था ना, वो मैंने सेल कर दिया। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आ गया था, वो मतलब वर्क ना थोड़ा स्लो करने लग गया था। तो अभी मैं तैयारी करके वजू वगैरह करके अभी मस्जिद की तरह रवाना हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस को जो है वो बता दूं कि आज दूसरा माह रमजान दूसरा रोज़ा भी आ चुका है और मेरी तरफ से साहब भाइयों को दूसरा रोज़ा मुबारक हो। तो अभी हमारे जो मस्जिद है वो ये है, ये दिखा दूँ आपको। हाँ, इस अलम के आगे मस्जिद है हमारी, वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर हम नमाज अदा करेंगे और इसके बाद जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी छोटे भाई को घर भेजा, वो कुछ सामान घर से लेने गया हुआ है और मैं सोचा कि अपने व्यूअर को बता दूँ कि मैं इस टाइम किधर जा रहा हूँ। अच्छा, शाम के टाइम है, ये सुर्खी आप नाला चेक करें, माशाल्लाह से गाँव की बड़ी हरियाली इस टाइम छाई हुई है और शाम की जो सुर्ख लहरें हैं ना वो इस वक्त इसके पीछे अभी मिट रही हैं, छुप रही हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अपना मोबाइल जो मैंने लिया है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई और कंटेंट नहीं था और कोई टॉपिक नहीं था। तो मैंने सोचा कि मोबाइल जो लिया उसके बारे में अपने ऑडियंस को बता दूँ। एक फ़ायदेमंद चीज़ है, एक फ़ायदेमंद बात है, अगर मैं आपको इसके बारे में बता दूँ तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले आप हरियाली चेक करें, उसके बाद मैं आपको दूसरी बात बता दूँ। माशाल्लाह से ये चेक करें, पूरी हरियाली। आप सोचेंगे कि बार बार क्यों दिखाता है एक चीज़। तो व्यूअर, अल्लाह की कसम मुझे सेम कंटेंट का मकसद नहीं है, मेरी बात करने का मकसद यह है कि मैं बहुत ही विलेज लाइफ को पसंद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी विलेज लाइफ है ना, इसमें जान बसती है मेरी। और माशाल्लाह से मैं आपको अपना मोबाइल के बारे में बताऊँ। अच्छा, मैं इधर जाता हूँ अच्छी ग्रीनी की तरफ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले व्यू चेक करें। ओ वाह, माशाल्लाह कितना कमाल सीन है यार। इधर मैं ना एक थंबनेल पिक्चर बना लूँ, बस बन गई है। ये चेक करें बाबा, ये मोबाइल है, इस मोबाइल का नेम है वीवो Y02T। मैं इसकी ना वो ओपन करता हूँ सेटिंग, उस सेटिंग में जाकर आपको दिखाता हूँ कि कितनी GB है, कितनी मेमोरी है इसकी, आप खुद देख लें। और माशाल्लाह से मोबाइल बड़ा अच्छा है इसका। और कल बॉक्स पैक लिया, तो कल बॉक्स ओपन किया और मेरा मूड था उधर व्लॉग बनाने को, लेकिन कल पहला रोज़ा था। आप सब समझदार है, पहले रोज़ा को क्या हालत होती है। रोज़ा मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गया था, क्योंकि पहला रोज़ा था, पहले बता दीजिए रूटीन नहीं बनी हुई थी, इसलिए पहले रोज़ा मुझे बहुत ज़्यादा लग गया। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मोबाइल का कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी का, तो क्या आपको भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आप मेरे हिस्सेदार हैं, मैं आपको सारे जो है वो रूटीन वाइज समझाऊंगा। इसकी जी बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी इसकी 64 GB है। इसमें एक रैम होती है जो नेट की स्पीड के लिहाज से चलता है, मतलब अच्छी स्पीड देता है, वो इसकी है 4 GB। 4 GB रैम, 64 GB इसकी मेमोरी है और Y02T इसका नेम है, वीवो का कंपनी है। और माशाल्लाह से ये मेरा मोबाइल है और आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दें। और आप सोच रहे होंगे कि दस्ती मोबाइल की तरफ आ गया, पहला रोज अगर मुबारक देते देते दस्ती मोबाइल की तरफ आ गया। तो मेरे भाई, मेरे पास टॉपिक कोई नहीं था, ये देखे कैच भी हो जाता है, इसे मैं झुक भी सकता हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो और सुनाए, तबीयत सेहत कैसी है, सेहत मिजाज कैसे। तो मेरा आज का जो रोज है ना, बड़ा आउट ऑफ क्लास गुजरा है। आप सोच रहे हैं कहीं पानी तो नहीं पी लिया, चौक का वह पानी नहीं पिया, बस आज रोजा ऐसे गुजरा है जैसे ऐसे गुजरा है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मुझे आज एक दोस्त ने बोला कि यार मुझे रोज़ा ना बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने फ़नी तौर पर उसे बोला माशाल्लाह, अल्लाह पाक मजीद इजाफा करे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो वो गुस्से होने लगे कि यार अल्लाह पाक मजीद इजाफा करे, मुझे रोज़ा लगा और आप ऊपर से बातें सुना रहे हो। तो भाई वो रोज़ा कौन सा जो लगे ना, वो रोज़ा है जो लगे आपको। मैं आपको समझा नहीं पा रहा, क्लियर तरीके से समझाता हूँ। अजान भी आने वाली, अजान से पहले पहले आपको समझा दूं कि एक रोज़ा है ना, अगर वो बंदे को लगता है तो हमारे यहाँ ना ऐड आए पे होते हैं फेसबुक पे, ना ऐड आए पे होते हैं कि अगर ये खुराक इस्तेमाल करो तो ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, ये खुराक इस्तेमाल करो सही टाइम
तो फिर वो आपको ज्यादा प्यास नहीं लगी, तो मेरे भाई वो नहीं करना चाहिए। अगर वो आप काम करोगे तो फिर आपको रोजे का एहसास तो नहीं होगा ना, आपको रोजे का एहसास तब होगा जब आपको ज्यादा भूख लगेगी और ज्यादा प्यास लगेगी। जब आपको ज्यादा प्यास लगी तो फिर आपको गरीबों का एहसास होगा कि जैसे हम भूखे प्यासे हैं, तो हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो कितने भूखे प्यासे होते हैं। दोस्तों अभी मोए मोए हो गया था, मैं इधर लगा रहा इतनी वीडियो बनाई, दो मोबाइल की तरफ देखो उसकी स्टोरेज भी फोन हुई थी, ड्रेस चेक करे, आज मैंने अपना ट्रोजर शर्ट पहना हुआ है, अभी बार बार देख रहा हूँ कैमरे की तरफ, आप भी नहीं हो गया। अगर इतनी जोर जोर सी बातें की, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, अब वो मुझे जहन से चली गई हैं, तो फिर वो आपकी किस्मत थी या कोई ऐसी गलत बात होगी जो स्टोरेज की वजह से ना कट हो गई है, या कोई अच्छी बात होगी या उसमें कुछ हेम होगा, वो मेरी किस्मत में नहीं था। तो अभी मैं देख देख कर वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा व्यूअर, मेरी बात करने का मकसद यह है, अल्लाह पाक साहब रोज रखने की तस्वीर में सेव करें। हाँ तो आपको मेरा मोबाइल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी भाई को ऐसा मोबाइल लेना हो इन्फॉर्मेशन के बारे में, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानना चाहो तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं ये मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर किसी भाई ने मोबाइल बाय करना हो, परचेज करना हो, या कोई मोबाइल के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन रखनी हो कि कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, उसके जहन में एक डाउट पड़ा हो कि कौन सा मोबाइल अच्छा चलेगा, तो मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने अपना मास मोबाइल लिया हुआ है 502T, ये मैं नहीं कहता कि मेरे से खरीदो, या मैं ये नहीं कहता कि जिस दुकान से मैंने खरीदा उसी दुकान से खरीदो। मेरी बात करने का मकसद यह है कि ये मोबाइल अच्छा चल रहा है, आप खरीद सकते हैं। जो भाई अभी गंदम की वेट में पड़े हैं ना, ये इसी को निकाल कर फिर सेल करके फिर मोबाइलों की जो सोच रखते हैं ना, वो ये मोबाइल जाके ले ले, अच्छा मॉडल है, अच्छी कंपनी का और सारा कुछ इसमें अच्छा है। और नेक्स्ट एक चैलेंज है जो हम सर्वाइव करने वाले हैं इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे, कौन सा चैलेंज है वीडियो के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाएगा, और इंशाल्लाह उसके बाद मैं अपनी Q&A वीडियो भी बनाऊंगा और वो भी आपको दिखाऊंगा। इधर करते हैं अपनी वीडियो का एंड, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।